हेलो जी। तो गुड मॉर्निंग। और आज मेरे को दो तीन काम है। पहला तो मेरे को अपने रूम की सफाई करनी है भाई, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा है। ऑल आउट यहीं पे पड़ी थी भाई, पता नहीं कितना टाइम हो गया था, उसे यहीं पड़ी हुई थी। वो आज उठा के रखी है। बाकी टेबल वेबल साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो फिर मिलते हैं आराम से, नहा धो के आराम से। ठीक है, पीस आउट। तो अभी मेरे कैमरे पे, तो मेन वाले कैमरे पे, तो अभी ट्राईपोड वगैरह सब इधर रखा हुआ है। देखो ये पड़ी हुई रिंग लाइट वगैरह बेड पे। और झाड़ू मारेंगे। और यहाँ पे जो ये लाइट है ना, ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो लाइट है, ये वाली लाइट, ये वाली जोड़नी है लाइट अभी मेरे को ना, ये लाइट जोड़नी है, तो ये भी करना। और सॉरी फॉर द सेम टी शर्ट, ये अभी उठते ही पहन लिया भाई, अभी नहाया धोया कुछ हो नहीं ना, तो इस वजह से उठते ही पहन लिया। और एक एक तो ना गलत आदत पड़ी है मेरे को डिस्प्ले में देखने की। डिस्प्ले क्योंकि मैं खोल लेता रहा तो मैं डिस्प्ले में देख रहा होता हूँ, वैसे देखना चाहिए मुझे लेंस पे, बाल आ गया। हाँ अब ठीक है। तो यही फिलहाल यही काम है। तो डबल टेप ढूंढते और वो लगाते हैं। पीस आउट। हेलो जी। तो अपना नहा धो के रेडी हो गए और सफाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। पोछा वगैरह लग रहा है, बाकी झाड़ू तो मैंने लगाई दी थी। बस अपना काम कंप्लीट हो गया। अब मेरे को एक बार उत्तम नगर जाना था अपने बाइक के काम से, बस वो कंप्लीट करना है। उसके बाद शायद मेरा एक फ्रेंड आ रहा है, नहीं मेरी एक फ्रेंड आ रही है, मॉडल। अरे ये वाला ब्लॉग दे, मॉडल मॉडल, ठीक है। और दिखाएंगे, मिलवाएंगे, आराम से मिलवाएंगे। पहले पूछते हैं कहाँ रह गई भाई, आ भी रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो पीस आउट। हमें हमें एक ब्रांड का शूट करना है एक्चुअली में, सीन ही है। तो भाई जी, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम एक YouTube चैनल खोलो भाई और मेरे को 1 साल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर करके दिखाओ, तो क्या तुम कर पाओगे? ये सवाल है वैसे मेरा। ठीक है, जल्दी सोच के बताओ इसका जवाब। अब मैं बताता हूँ, तुम में से कई जनों का जवाब ये होगा कि हाँ हम खोलेंगे और हम करके दिखाएंगे। और मेरा जवाब ये है कि नहीं, नहीं कर पाओगे भाई। जब तक तुम्हें कोई वायरल या तुम्हें कोई रोस्ट या कोई बंदा जो फेमस है वो तुम्हारे बारे में बात नहीं करता है, तुम उनकी नजरों में नहीं आते, तो तुम नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में खोला था, मेरे को लगभग 3 साल हो गए करते हुए, अक्टूबर में 4 साल हो जाएंगे। ठीक है, उस टाइम पे मैं जॉब करता था और मैं उस टाइम पे 3 दिन में एक व्लॉग अपलोड करता था। और ये चीज मैंने 2 साल लगा लो, 2 साल करी है। ठीक है, और फिर मैंने इस वाले दिसंबर से डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। मेरा जो पहला व्लॉग डाला था वो 31 दिसंबर को डाला था, एक्चुअली मैं 30 दिसंबर को डाला था। उसके बाद 30 31 ऐसे करके मेरे व्लॉग डालते रहे। और फेब में 1 तारीख, नहीं 4 तारीख से लेके 10 तारीख तक व्लॉग नहीं डाले थे, 6 दिन। और अभी मार्च में भी सेम सीन हुआ, जो व्लॉग नहीं डाले 4 5 दिन। ठीक है, तो ये चीजें होती रहती है। तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, ये रियलिटी चेक है। पर अगर कोई बंदा तुम्हें बोल रहा है कि भैया हाँ यूट्यूब चैनल खोलो और तुम्हारे झटपट 1 मिलियन हो जाएंगे वगैरह वगैरह, तो मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा अभी तक जिसने ऑर्गेनिक अपने खुद के दम पे सब्सक्राइबर गेन करे हो। ठीक है, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन जो भी है, ये तब गेन हुए हैं जब तुम किसी की नज़र में आए हो। और नज़र में तुम कैसे आते हो? कोई बंदा तुम्हें रोस्ट कर दे। अब कैरी मिनाटी है भाई, कहाँ है वो लोग? ठीक है, अगर वो बंदा तुम्हें रोस्ट कर रहा है, ठीक है, कैरी मिनाटी अगर तुम्हें रोस्ट कर रहा है, तो तुम ऑफकोर्स ही बात है यार, तुम्हारे 10 मिलियन तो ऐसे ही व्यूज आ रहे हैं, 10 मिलियन लोगों के आगे तुम्हारा चैनल जा रहा है रोस्टिंग के थ्रू, तो 10 मिलियन में से कम 10,000 तो आएंगे। 10 मिलियन तो बहुत ज्यादा है, चलो 1 मिलियन लोग देख रहे हैं, 10 लाख लोग देख रहे हैं, तो 1 लाख लोग तो आएंगे तुम्हारे चैनल पर विजिट करने। उसमें से कुछ लोग सब्सक्राइब करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे गेन होता है, उसके अलावा गेन नहीं होता भाई। मैंने बहुत कोशिश कर लिया और ये रियलिटी मेरे को काफी पहले चेक हो गई थी कि भैया ऐसे तो गेन नहीं होगा। ठीक है, अब तुम्हें या तो किसी को पैसे दे के तुम्हें रोस्ट कराना पड़ेगा, जो होते हैं, ठीक है, जैसे होते हैं एक्चुअली में, जैसे होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जब तक तुम किसी की नजर में नहीं आओगे, तुम्हारी गेन नहीं हो सकता तुम्हारा चैनल अपने आप, बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हें पैसे देके किसी से रोस्ट कराओ, किसी भी यूट्यूब चैनल से किसी को भी पैसे दो और उन्हें बोलो कि हाँ तुम सीरी, नहीं सीरी बीच में बोल रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि किसी भी यूट्यूब चैनल को पैसे दो कि वो तुम्हारे यूट्यूब चैनल के बारे में बात करे, ताकि उनकी ऑडियंस को पता चले कि कोई है, तो वहां से तुम्हारी गेनिंग स्टार्ट होती है। तुम किसी को भी उठा के देख सकते हो, किसी भी बंदे को, ठीक है, किसी भी बंदे को उठा के देख लो जिसने खुद गेन करे हो, कॉन्ट्रोवर्सी हो या तो फिर रोस्ट हो, या तो कोई बंदा हो जो तुम्हारे चैनल में बात कर रहा है, या तो कोलैबोरेशन, इन्हीं चीजों से होता है, वरना नहीं होगा भाई। वरना मेरी तरह तुम्हारे 3 साल में से मेरे अभी तक
1400 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, 3 साल हो गए मेरे को करते हुए, बहुत बड़ी बात होती है। किसी को बताता हूँ ना, एक शर्म सी फील सी होती है कि भाई 3 साल हो गए हैं, अभी तक 1400 ही सब्सक्राइबर है तुम्हारे, हमारे सामने तो इतने बंदे जिनके 10-10, 20-20 मिलियन हो गए हैं, 1-1 मिलियन हो गए हैं, ठीक है, उन्होंने खुद करे हैं, ये सब बोलने की बातें होती है भाई। तुम्हें रियलिटी नहीं पता है कि असलियत में क्या चीज़ है यहाँ पे, तो जब तक असलियत ना पता हो ना तो ऐसे नहीं बोलते किसी को, भाई बुरा लगता है, हर्ट होता है, ठीक है। तो अगर इतना ही है तुम्हें बोलने वाला, और जो देख रहा है भाई, जिसने भी मुझे बोला था कि तेरे 3 साल में सिर्फ 1400 सब्सक्राइबर रह गया, मैं इससे ज़्यादा कर लेता, तो भाई ऐसा कर, तू यूट्यूब चैनल खोल, वैसे खुला हुआ होगा, तेरी मेल आईडी तो होगी, इतना गवार तो होगा नहीं तू, ठीक है, तेरी मेल आईडी होगी, तो उस मेल आईडी पे जाके तू एक यूट्यूब चैनल बना, और जो तेरे को डालना है वो डाल सकते, तू मैं ब्लॉगिंग नहीं कह रहा, जो मर्जी डाल दो, जो मर्जी, ठीक है, मैंने 3 साल लगाए हैं तो 3 साल ले ले, और 3 साल में देखते हैं कितने सब्सक्राइबर हो सकते हैं तेरे, ठीक है। तो ये असली रियलिटी कि भैया नहीं हो पाता है, जितना इजी तुम्हें लग रहा है उतना इजी है नहीं, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और मेरा सबसे पहला व्लॉग ना, सबसे पहले व्लॉग पे आज तक 500 व्यूज है सिर्फ, और ये मैंने 22 अक्टूबर 2019 में डाला था, 19, 20, 21, 22, 23, 4 साल है, ये क्या सीन है, पब्लिश हुआ था ना 22 अक्टूबर 2019 में, 19 फिर अक्टूबर तक 20 एक साल, अक्टूबर तक, अक्टूबर के 20 एक साल, अक्टूबर का 21 2 साल, ठीक है, अक्टूबर 20, 21 3 साल, 4 साल होने वाले भाई, देख लो अब तुम, ये सीन है भाई। तो अपना टाइम खराब मत करो, और जितना भी है जो भी है सही है भाई, क्योंकि मैं तो देखो, मेरे को तो पसंद है करना, अगर तुम इस वे में आ रहे हो कि हाँ जल्दी हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, पेशेंस चाहिए भाई, टाइम देना पड़ेगा, वही हम दे रहे हैं। और आई विश कि किसी यूट्यूब चैनल को ये चीज़ दिखे, और वो रोस्ट करना चाहे, वो अपनी ऑडियंस को बताना चाहे, ऐसी हो पाएगा भाई, क्योंकि मैंने एक पहले वाले व्लॉग में, बहुत पहले व्लॉग में एक चीज़ बताई थी, जब जतप्रभ जो जो हैं राइडर, उनका एक्सीडेंट हुआ था, अब तो ठीक है हो, उनका जब एक्सीडेंट हुआ था तो एक रावण 2.0 करके एक चैनल था भाई, उस बंदे ने इतनी जल्दी गेनिंग करी है ना भाई, इतनी जल्दी गेन किया ना उसने सब्सक्राइबर, और वो वॉचिंग आवर्स वगैरह सब चीज़, मतलब यू व्यूज आ रहे थे, यू जत प्रभजोत के नाम मैंने यू व्यूज जा रहे थे, और कुछ नहीं कर रहा था, बस गाली दे रहा था, ना राइडिंग के बारे में उसे कुछ पता था, ना राइडिंग गेयर्स के बारे में उन्हें कुछ पता था, बस वो गाली गलोच में चक्कर में वो बस खींच रहा था व्यूज, और मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी उस बारे में, तो पता नहीं मेरे को अब वो एग्जिट करता है इस दुनिया में कि नहीं करता, मेरे को नहीं पता। तो ऐसा सीन है भाई, जब तक तुम नहीं किसी को खींच रहे हो, जब तक तुम्हें पता नहीं, जब तक लोगों तक तुम्हारी बात नहीं पहुँच रही है, तब तक तो मेरे को नहीं लगता तुम गेन कर पाओगे इतनी जल्दी, ये होता है सीन। मैं कैसे बोलूं भाई, लोग देखो, मुझे नहीं पता कितने लोगों को मेरी बात समझ आई और कितने लोगों ने गलत समझ ली मेरी बात। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि भैया जब तक तुम नजर में नहीं आओगे किसी के, तुम्हारी गेनिंग नहीं हो सकती, बस इतनी सी बात कह रहा हूँ। अब तुमने क्या समझा मुझे नहीं पता, ठीक है, तो जो दिखता है वो बिकता है, ये आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ये धंधे की जो भाषा होती है ना, बिजनेस भाषा, उसमें मैं समझा रहा हूँ कि जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता वो पड़ा रहता है, सड़ जाता है, उस पर मिट्टी चढ़ जाती है, बस इतनी सी बात, ठीक है। आई विश कि तुम लोगों को समझ आया हो कि मैं एक्चुअली में क्या कहना चाहता था, और मैं भी बहुत, मेरे को टाइम लगा ये चीज़ समझने में, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी समझो जो नहीं आ रहे हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं और मोटो व्लॉगिंग या व्लॉगिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो प्लीज़ ये वाला व्लॉग देखो, थोड़ा समझो कि एक्चुअली में चीज़ क्या है, गंदे लोगों को मत देखो, ठीक है, क्यूट गर्ल्स वगैरह, ये रिएक्शन वगैरह, ये सब चीज़ें फालतू की, इनकी कुछ टाइम की गेनिंग होती है, अगर तुम्हें नेचुरल गेनिंग चाहिए बहुत टाइम तक की, हमेशा के लिए गेनिंग चाहिए, तो तुम्हें एक ही चीज़ डालनी पड़ेगी, चाहे तुम किसी भी कम्युनिटी में घुस जाओ, तुम्हें एक ही चीज़ पे रहना पड़ेगा, चाहे तुम ब्लॉगिंग पे रहो, चाहे तुम फिटनेस पे रहो, चाहे तुम फूड पे रहो, चाहे तुम ट्रैवल पे रहो, किसी भी चीज़ पे, ठीक है। मिक्स चैनल कभी नहीं चलते, चाहे वो रिव्यू वगैरह हो, कुछ भी हो, वो नहीं चलेगा, व्यूज़ आ जाएंगे, सब्सक्राइबर आ जाएंगे, पर वो कुछ टाइम तक ही होते हैं, ज़्यादा टाइम तक नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचते इस व्लॉग को, इस व्लॉग के लिए इतना रखते, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार दो, बाकी मिलते अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और क्या रखें अपना का अपना, बाय बाय। और देखो मुझे पता है कि इससे पहले मैंने कुछ बोला था कि मेरी फ्रेंड आ रही है, ठीक है, वो आ रही है, एक्चुअली में टाइम लगेगा थोड़ा, वो 3-3:30 बजे तक मेरे घर पे पहुँचेगी, तो मेरे को ये वाली बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही करनी, तो इस वजह से मैंने ये बात करी, मेरे को लग रहा था कि कर लेनी चाहिए एक बार बात, तो कुछ नहीं, अभी बस फिलहाल ये तो पीस आउट।